Hello everybody, welcome to ARHAAN Entertainment. तो देखिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की बात करेंगे जो कि नेटफ्लिक्स पर अब आपको हिंदी डब में देखने को मिलती है और ये पब्लिक की डिमांड पे वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि एक ही बंदे ने मुझे इसका रिव्यू करने के लिए बोला है, लेकिन कोई बात नहीं, एक से बोले दो, दो से बोले तीन, तीन से बोले चार, मतलब अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। खैर अब हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी की जिसकी ओवरऑल लेंथ है ऑलमोस्ट 2 घंटे की और ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाती है। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है मदर से, यानी कि इस कैरेक्टर का नाम मदर है। हालांकि ये एकदम जवान लड़की, यानी कि इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है जेनिफर लॉरेंस। अब आपको पता है वो किस, खैर मदर का एक हस्बैंड है जिसको हिम करके बुलाया इस कैरेक्टर में, जो कि एक पोएट है। खैर अब इन दोनों की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होता है, लेकिन तभी कहानी में आते हैं ट्विस्ट और एंट्री होती है मैन, यानी कि एक नए कैरेक्टर की, टकलू कैरेक्टर की। अब उसके बाद इनकी लाइफ में क्या इवेंट्स होते हैं आगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी सब लोगों के लिए नहीं है। अगर जो लोग लक्ष्मी बॉम्ब जैसी मूवीज़ को मास्टरपीस बोलते हैं, वो अपने बेवड़े अंकल, वो केशव मुखर्जी अंकल है जो अगर उनके फ़ैन हैं, अगर आप लोग उस तरह की मूवीज़ को अच्छी बोलते, आप लोगों के लिए ये मूवी कुछ काम की नहीं है। ये मूवी आपके पल्ले ही नहीं पड़ने वाली है। और सीरियसली मैंने 2 बार मूवी देखा, फिर 3rd टाइम मुझे क्या करना पड़ा मालूम है, मैंने कोई यूट्यूब में एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा, नहीं, मैं चुपचाप गूगल पे गया, इसके विकीपीडिया में गया। वहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन में, थीम वाले ऑप्शन में जाओगे, शायद थीम वाला ऑप्शन है, वहाँ पर एक्ट्रेस का इंटरव्यू, तो वहाँ पर जो जो चीज़ें उसने बताई तो उससे मुझे पता चला गया ओहो ये मूवी इस टॉपिक पर बनी है। फिर इसके बाद मैंने 3rd टाइम इस मूवी को देखा, फिर मुझे समझ में आया, हाँ मतलब पूरी कहानी मुझे समझ में आ गई, जो कि मैं अब यहाँ पर स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। उसके अलावा मूवी में कैरेक्टर्स की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर इतने कैरेक्टर्स नहीं है, कुछ 4 या 5 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन 2 कैरेक्टर है यानी कि हिम और मदर, उनको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। और ये उन मूवीज़ में से एक है जो बता कुछ और रही है और कहना कुछ और चाहती है, समझे। मूवी की सिनेमेटोग्राफी गजब, क्या डार्क वे में मूवी को शूट किया, और जो जो चीज़ें बताती है भाई गूज बम से लेकर आती है, और कुछ विजुअल्स तो ऐसे है कि मतलब दांतों तले उंगलियां चबा डालोगे। BGM अच्छा है, और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार जेनिफर लॉरेंस बवाल, अंगार फाड़ू, वाह कसम क्या परफॉर्म किया है उस लड़की ने। उसके अलावा जेवियर बैडम, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एज अ हिम, अब एज हिम, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उसके अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स है सब लोगों ने अपने हिस्से के लोगों को बहुत अच्छी तरह से किया है। मूवी की एडिटिंग बहुत अच्छी है और डायरेक्शन बहुत अच्छा, और राइटिंग जिसने यहाँ पर डायरेक्शन किया उसी ने इस मूवी को भी लिखा है, यार उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई है। उनकी लास्ट मूवी मैंने नुआ देखी थी, नुआ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, हालांकि कुछ स्लाइटली चेंजेस किए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी अगर इस पर्टिकुलर मूवी की बात करो तो यार उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही गजब की इस मूवी को लिखा, सिर्फ 5 दिन में उन्होंने इस पूरी मूवी को कंप्लीट किया था। ओवरऑल ये मूवी आप लोग अकेले बैठ के देख सकते हो, ये फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है नहीं। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10, हालांकि IMDb पे 6.6 की रेटिंग है, क्योंकि ये मूवी की जो थीम है वो बाइबल से ली गई है। तो आपको तो पता है कि मोस्टली जो फॉरेनर्स लोग हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, पसंद नहीं आती इस तरीके की चीज़ें, तो इसलिए वो लोग ने वहाँ पर रेटिंग कम दी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस तरह की मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इस वजह से मैं 10 out of 10 दे रहा हूँ। मगर आप लोग का क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो साइन ऑफ।